बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ टीले की सब्ज़ी। हल्दी बेटी हमारे पास आई हुई है, तो खाना बनाना शुरू करते हैं। मैं छत पर आई हुई हूँ, नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ और इसके बाद मैं शाम का खाना बनाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा अभी धूप है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन लेके आई हूँ तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी ज़्यादा धूप है अभी, असर की अजान नहीं हुई। अदन, इस रूम का कलर कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा है। और इसकी सीलिंग? इसके अंदर फैन लगने जी फैन। आपको टिंडे की सब्जी पसंद है? टिंडे की सब्जी, यस। चले नीचे, कैमरा पकड़ोगी? आज मेरी कैमरा मैन बन जाओ, फिर शाम को उधर चलेंगे, मैं वशांटी के पास। ठीक है, जाना है मामी से मिलने। प्यारी लगी है मामी आपको? बहुत प्यारी है। ठीक है, चलो आज नीचे चलें, धूप है ऊपर, नीचे चलते हैं। ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है तो अदन बेटी आ जाओ, नीचे गिर जाओगी। नूर इधर आ जाओ। नूर बहुत ज़्यादा खुश है, अल्लाह ताला आपको भी प्यारा सा ऐसा खूबसूरत घर दे। दुआ किया करो नमाज पढ़ के, ठीक है ना? जब बंदा दुआ मांगता है ना, अल्लाह ताला बहुत देता है। अदन और उमार की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा कर दे, सीढ़ियाँ हों, हम छत पे जाएं, अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिश पूरी करे। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। नीचे लकड़ाई वाली मशीन चल रही है तो शोर होगा, उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ। अदन तो जल्दी जल्दी जा रही है लेकिन मुझे ऊँचाई से डर लगता है। अदन, ये फूल कैसे लगते हैं आपको? बहुत प्यारे हैं। नीचे हम आ गए हैं तो सबसे पहले मसाले बना लेते हैं। अदन मेरी हेल्प करोगी? चलो मेरी हेल्प करो खाना बनाने में। आटा तो मैंने गूंद के फ्रिज में रखा हुआ है तो सिर्फ सालन ही बनाना है। तो शाम को हम नूडल मंगवाएंगे और अदन बेटी को नूडल बहुत ज़्यादा पसंद है तो अदन बेटी को नूडल बना के देंगे। ठीक है अदन बेटा, फिर आपके बाल भी बनाती हूँ। चल बनाना है, मोटरसाइकिल भी आई है तो इसलिए बाल जो है ना बिखरे पड़े हैं। लहसुन छीनना आते हैं? प्याज काटने आते हैं? नूडल बनाने आते हैं? कपड़े सिलाई करने आते हैं? वो नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं। तो आप अपनी गुड़िया नहीं साथ लेके आई तो आपकी गुड़िया तो नाराज हो जाएगी, गुस्से हो जाएगी, अदन मुझे छोड़ के चलेगी। अब उसे कौन झूले देगा? उमार, उमार तो रो रहा था, अभी अभी का फोन आया है। मैं मिस्त्रियों भाइयों को चाय बना के दे रही थी तो चाय बना के दी है, खुद भी पी है और बर्तन धोए हैं। तो अदन बेटी को मैंने कहा था लहसुन छीन दो, तो ये लहसुन की कलियाँ अदन बेटी ने छीनी हैं। तो पंखा चल रहा था तो इसलिए सारे छिलके बिखरे पड़े हुए हैं। तो मैं अब प्याज काट लेती हूँ, हरी मिर्चें। तो अदन का मुझे सिर्फ लहसुन छीनना मुश्किल लगता है, बाकी काम मुझे नहीं मुश्किल लगते। ये जो हरी मिर्चें हैं, उस्मान बेटा देख गया था, हमारा भतीजा, बहुत प्यारी मिर्चें हैं, हरी फ्रेश मिर्चें, ताज़ा ताज़ा कल दे के गया था, अभी तो पहली ख़त्म नहीं हुई थी फिर दे गया। घर की चीज़ जो होती है हमारे गांव में, एक दूसरे को इस तरह बांट के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बांट के ही खाते हैं। कोई भी चीज़ हो, हरी मिर्चें एक किस्म का सौगात ही है। उन्होंने लगाई हैं हरी मिर्चें, हम लोगों ने नहीं लगाई क्योंकि मिस्त्री भाई लगे हुए हैं। तो तब मैंने कहा था कि मैं हरा धनिया घर लगाऊंगी, लेकिन अब वो भी नहीं लगाना, बाहर भी अभी सफाइयाँ होनी है, काफ़ी काम रहता है तो इसलिए। अदन बेटा पंखा नहीं चलना, अब अंदर हो जाओ, पंखा चला के ना लेट जाओ, नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मेरे पास बैठ जाओ, मसाले बना लेते हैं तो फिर हम खाना बनाएंगे। सब्जी मैंने बना ली है, टिंडे भी काट लिए हैं, मसाले भी बना लिए हैं,
तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो ये वाली जो मैं व्लॉग बना रही हूँ अदन बेटी के मैच पे बना रही हूँ। अदन बेटी ने कहा है कि आज उर्दू में वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं उर्दू में बना लेती हूँ। अगर मेरे बहन भाई पहला व्लॉग है मेरा उर्दू में, पहले मैं उर्दू में बनाया करती थी, फिर मैंने पंजाबी स्टार्ट कर दी। अब मेरी बेटी ने कहा है तो उर्दू में वीडियो बनाया करो, तो मैं उर्दू में बनाऊँगी। अगर मेरे बहन भाई जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगी। अगर कहेंगे पंजाबी में बनाओ तो मैं पंजाबी में बनाऊँगी। अगर कहेंगे उर्दू में तो मैं उर्दू में बनाऊँगी। घी को अच्छे से गर्म होने देती है। अदन बेटी आप खुश हो? हाँ जी। उर्दू बना करो जी। गर्म हो गया था, मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अदन बेटी पानी पीने गई है, कह रही थी आंटी मुझे प्यास लगी है मैं पानी पीने जा रही हूँ, तो कैमरा खुद पकड़ लो। तो मैंने कहा मैं खुद पकड़ लेती हूँ। प्याज हल्के फ्राई हो गए हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने 2 से 3 मिनट तक भुनाई की है, भुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैं डाल लेती हूँ टमाटर और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, मिक्स कर लेती हूँ तब तक पका लेती हूँ जब तक टमाटर अच्छी तरह नरम नहीं हो जाते। टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं, तो अब हम डाल लेते हैं पाउडर मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया और भुना कुटा सफेद जीरा एक साथ डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देते हैं। 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। आगे मैं खाना नीचे बनाती थी, आज मैं फट्टे के ऊपर रखा है चूल्हा, तो वदन बेटी कह रही थी आंटी खड़े होकर खाना बनाया करो, इसलिए तो वदन खेलने गई है, कैमरा मुझे पकड़ा के गई है। वदन बेटी को मैं खुश कर दूंगी, मैं हर बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों के सदके मुझे भी बच्चे दे, बच्चों की ख्वाहिश इसलिए मैं पूरी करती हूँ। बुनाई अच्छे से हो गई है। टिंडे की सब्जी डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट तक भुनाई करेंगे। शुक्र है रगड़ाई वाली मशीन बंद हुई है, सारा दिन कान खा जाती है, इतना घर में शोर होता है ना, सर दर्द करना शुरू कर देता है। अदन बेटी लेके आई है हरा धनिया, कल जो सब लेके आए थे जब सब्जी लेके आए थे, तो हरी मिर्चें इधर रखो मैं बना लूँ। धनिया डालने से सालन का टेस्ट दुबाला हो जाता है। अदन को भूख लग गई थी, अदन को हिचकी लगी हुई है, तो कह रही थी आंटी मैंने पानी पिया है मेरी हिचकी नहीं रुक गई, तो मैं क्या करूं, मैंने कहा बिस्किट खा लो। रुक गई है? नहीं रुकी अभी, सारा पैकेट खा लो फिर हटेगी। फ्राई मैंने 15 मिनट तक टीयर की थी, अच्छे से नरम हो गए, इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे टीले। तो अब मैं डाल लेती हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरी मिर्चें डाल रही हूँ सजावट करके। सजावट अली बेटी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, हाथ कांप रहा है। थोड़ा सा धनिया गार्निश कर लेते हैं ना, इतना काफी है। कैमरा मुझे पता था आपका हाथ नहीं जा रहा ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह सालन बिल्कुल तैयार हो गया, मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। धनिए का जो फ्लेवर है उस सब्ज़ी के अंदर आ जाए। सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, अब अदन बेटी बाहर गई है, पूछती हूँ भूख लगी है तो अभी खाना बना लेती हूँ। आटा मैंने भून के रखा हुआ है, फ्रिज में पहले रख दिया था और
जब अदन बेटी कहेगी तो तब रोटी बना लूँगी, अभी पूछती हूँ बाहर से आती है तो। जो सब नमकीन दूध वाली लस्सी मांग रहे हैं तो लस्सी बना के दी है, भूख लगी है, रोटियां बना लूं? अभी नहीं लगी। उर्दू बोलने लग गई तो मेन वर्क लेगा मैं जब मैं अदन बेटी की फरमाइश पे बोल रही हूँ आज। अदन बेटी ने कहा है कि आंटी सारा व्लॉग आपने उर्दू में बनाना है, अगर पंजाबी बोली ना मुझसे डांट पड़ेगी। पहला व्लॉग है मेरा उर्दू में, अगर मेरे बहन भाइयों को पसंद आया तो मैं उर्दू में। आती आवाज़ क्या करें, माजरत करेंगे अपने बहन भाइयों से। सालन मैंने बना के रख लिया है, अभी भूख नहीं है, टाइम ज़्यादा है तो खाना थोड़ा लेट खाएंगे, तो वीडियो का एंड में इधर ही करती हूँ। अगर हमारी वीडियो हमारे बहन भाइयों को पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह कर उर्दू में व्लॉग बनाया कर, उर्दू में व्लॉग बनाया कर।